हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बहुत अच्छा आइडिया देने जा रही हूँ जिसे आप घर पे ही अपने पैरदान बना सकते हैं और बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और काफ़ी पैरदान होते हैं तो घर में बहुत ही यूज़ रहते हैं, बाथरूम के आगे रोज़ बदल लिए क्योंकि तकरीबन ये रोज़ गीले हो जाते हैं और बहुत मैसी क्रिएट करते हैं। तो इस तरीके से मैंने बनाया है, आइडिया बहुत अच्छा लगने वाला है आपको क्योंकि ये पुरानी टी शर्ट का है, कुछ इसमें ज़ीरो कॉस्ट कह सकते हैं कि मटेरियल लगा हुआ है। बस आपकी मेहनत, जितनी मेहनत अच्छी है आपकी उतना ही आपका रंग आएगा किसी भी वर्क के लिए। थोड़ा टाइम तो लगता है पर हाँ ये है कि चीज़ बहुत अच्छी निकल के आती है। तो पुरानी जितनी भी टी शर्ट को हमने उसकी बॉटम से और नेक और स्लीव्स कट करके इस तरीके से बना लिया है। प्लेन सिंगल सिंगल कपड़ा रख के उसको डबल करके अब हमने इसमें मार्क करना है, हमने इससे पट्टियाँ निकालनी है। तो मैंने यहाँ पर जो फुटे की मदद से ऐसी बराबर बराबर से लाइंस खींच के पट्टियाँ निकाल ली थी। ये फुटा था 1 से 1.25 इंच चौड़ा। तो निकालने के बाद बस हमने कट करने के बाद इसको इस तरीके से खींचना है, ये रोल हो जाएंगे अपने आप में क्योंकि ये नायलॉन के एक कपड़े होते हैं, नीटिंग फैब्रिक होते हैं, तो ये इनको धागे नहीं निकलते इसके। इसी तरीके से हमने सारे लोग कपड़े के निकाल देना है। ये कलर हमें बहुत अच्छे मिल गए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना बेस। बेस के लिए हमने 14 इंच पे मार्क करा है। 14 इंच पे मार्क करने के बाद उसके बाद 1.25 इंच की दूरी पे या 1 इंच से ज़्यादा की दूरी पे हम ये ले लेंगे। 1 इंच भी ले सकते हैं, जितनी लाइनें आप डालना चाहें उतनी आप डालिए। तो इस तरीके से हमने लाइनें बना दी हैं, ड्रॉ कर दी हैं। उसके बाद हमने कट कर लेना, जैसे मैंने हाफ मून बनाया, आप रेक्टेंगल और स्क्वायर भी बना सकते हैं, किसी भी तरीके का आप बनाइए। मकसद यही है कि आपके घर में कोई सा भी फैब्रिक हो जो पुराना हो गया हो आप इससे बना लीजिएगा। बनियान वाले जो कपड़े होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं और पानी भी बहुत अच्छा सोख करते हैं। तो मैंने उन्हीं कपड़ों का इस्तेमाल करके बनाया है। बस सर्कल कट करने के बाद हमने इसमें साइड की सीम लगा लेंगे। अपनी पट्टियाँ धोने से पहले एक सिलाई लगा देंगे ताकि हमारे धागे वागे नहीं निकले। देखिए आप यहाँ पर मैं ये बूट निकाल दे रही हूँ, इससे इजी पड़ेगा बेस के लिए। ना आप फैब्रिक जीन्स का कपड़ा भी ले सकते हैं, जैसे जीन्स पुरानी जीन्स के कपड़े भी ले सकते हैं। बस आपने क्या करना है, जो पट्टियाँ हमने कट करी है उसे अपनी चौक के निशान पे रखना है सेंटर में और इसी तरीके से स्टिच कर दे एक दो बार ऐसे। हम क्योंकि हमने बूट निकाल दिया तो हमें बहुत इजी पड़ेगी कितनी भी मोटी पट्टियाँ लगाने के लिए। और अगर आप बूट के साथ लगाएंगे तो थोड़ा सा टफ़ पड़ेगा क्योंकि कपड़ा बढ़ता नहीं है और धागा एक एक हफ्ते ही चलते चला जाएगा। इससे हम आसानी से आगे पीछे करके अपने धागे को पक्का कर सकते हैं और ये मजबूती साथ बनेगा। मेरे बोलने से ज़्यादा आपको देख के समझ आ रहा होगा कि मैं किस तरीके से ये बना रही हूँ। मेरा हाथ बीच में आ रहा है क्योंकि फ़ोन जो है वो सही सेटिंग पे लगा नहीं है, बट ये है कि आपको समझ तो आ रहा है, इतना मैं क्लियर दिखा रही हूँ आप लोगों को। बस आपने क्या करना है, इसी तरीके से आपने पहली लेयर लगानी है, फिर दूसरी दूसरे कलर की लेयर लगानी है, फिर तीसरी कलर की लगानी है, फिर जितने भी आपके पास, अगर आपके पास कपड़े कम पड़ गए तो आपने मिक्स मैच करके भी लगा देना है या कैसी भी करके लगा देना है। देखिए कितना बढ़िया सा अभी ये बेस हुआ है, अभी कुछ समझ नहीं आएगा पर ये जब बन जाएगा ना तो आपको इतना बढ़िया लगेगा ना ये। तो अब इसी तरीके से मैंने दूसरा कलर लगाया है, दूसरा कलर के बाद मैंने तीसरा कलर लगाया, इसी तरीके से मैंने ये सारे फिनिश कर दिए। बस आपको ट्रिक समझ में आ गई ना, बस अपने जो चौक का निशान है उस पर बस ऐसे सर्च रख देना और ये इस तरीके से नज़र आएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 लेयर तैयार हो गई हैं और कितनी बढ़िया लग रही हैं। कुछ लेयर रह गई हैं एक दो, मैं और उसको भी फिनिश करके दिखा रही हूँ। ये मेरा फाइनल लुक है और ये बहुत बेहतरीन बना है। मैं गीला पैर लेकर आई थी और इस पर मैंने करा खड़ी हो गई, मेरा पूरा नीचे बेस एकदम ड्राई हो गया था। तो आप लोगों को ये अच्छे लगे तो लाइक और शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।